कोविड-19 ने तोड़े सारे अब तक के रिकॉर्ड। देश में 24 घंटे में आए 3.94 लाख मामले। 3,388 की मौत। महाराष्ट्र में मृतकों की संख्या बढ़ी। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 90% से नीचे पहुंच गई। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 3.5 लाख से ऊपर बनी हुई है। शुक्रवार को देर रात तक के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 3.94 लाख रिकॉर्ड नए मामले सामने आए। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 32 लाख के पार पहुंच गई है और कुल संक्रमितों की आंकड़े ने 1.91 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। शुक्रवार को देर रात तक 3,388 लोगों की जान जाने की खबर थी। मृतकों का कुल आंकड़ा 2.11 लाख को पार हो गया है। शुक्रवार सुबह 8 बजे तक के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 3,458 मरीज की मौत हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 90% से नीचे पहुंच गई है। अब तक 1.56 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। इस गंभीर होते स्थिति के बीच राहत की बात यह है कि देश में मृत्यु दर 1.1% है, जो अन्य कई देशों की तुलना में बहुत कम है। देर रात तक के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को जिन 3,388 लोगों की जान गई है, उनमें सबसे अधिक महाराष्ट्र से 828, दिल्ली से 375, उत्तर प्रदेश से 332, कर्नाटक से 217, छत्तीसगढ़ से 269, गुजरात से 173 और राजस्थान से 155 मामले शामिल हैं। शुक्रवार को राज्य में 69,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। वहीं गुजरात से शुक्रवार को 14,605 नए मामले सामने आए। ये राज्य में किसी एक दिन में सामने आई सर्वाधिक संख्या है। देश भर में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 15.48 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।